प्रदेश की जनता को आयुष्मान योजना का लाभ मिले इसको लेकर हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। इसी कड़ी में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 100 लाभार्थियों को यमुनानगर में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वितरित किया। इस दौरान जहां सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लॉन्च किया, वहीं डिप्टी सीएम लाभार्थियों के बीच जाकर उनके गोल्डन कार्ड उन्हें सौंपे। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, इस योजना से हर अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही PPP के माध्यम से जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है उन्हें इस योजना का लाभ तो मिलेगा ही, साथ उन सभी को इसी डेटा के माध्यम से BPL के सभी लाभ मिलेंगे। एक महीने के अंदर ही ये शुरू हो जाएगा। आयुष्मान योजना से 5,00,000 का इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में मिल सकेगा। अभी ऐसे कई लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन का कार्य एक बार फिर आज से शुरू किया गया है। जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र में आय 1,00,000 रुपए है और उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह एक बार फिर अपना वेरिफिकेशन करवा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देश में पहली बार जो हमारी PMJ योजना है, जिसको आयुष्मान योजना हम कहते हैं, हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर, जो पहले 1,20,000 तक जिनकी परिवार की आय थी 2011 के SCC डाटा के अंदर, उससे बढ़ाकर हमारी जो रेगुलर मॉनिटरिंग आज के दिन परिवार पहचान पत्र से चलती है, उसके साथ जोड़ते हुए बढ़ाकर 1,80,000 प्रति परिवार आय तक पहुंचाने का काम किया। और आज इसका लाभ 17,00,000 नए परिवारों को हम देने का काम कर रहे हैं, जिनकी वेरीफाइड इनकम 1,80,000 से कम है। और कुल मिलाकर अब प्रदेश भर के अंदर यह आंकड़ा 27,00,000 परिवारों का आज तक है, और इसको प्रत्येक घर तक ले जाने के लिए जो हमारी आशा वर्कर्स है, ANMs है, हमारे सब डिवीजन पे हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल है, प्लस जितने हमारे सरल केंद्र हैं उन तक भी हमने पहुंचाने का काम किया। और मैं तो आपके माध्यम से भी प्रत्येक नागरिक से ये आग्रह करूँगा कि अब आयुष्मान का लाभ लेने के लिए 5,00,000 तक का इलाज आपको कहीं भी देश के किसी कोने के अंदर आयुष्मान इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में मिले, इसके लिए अपने परिवार को वेरीफाई कराकर PPP पे आयुष्मान के अंदर अपने आप को रजिस्टर और वेरीफाई करने का काम करें। मैं मानता हूँ ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो इलाज के लिए हमारे प्रत्येक, आज जिसको हम अंत्योदय परिवार का दर्जा देते हैं, उसको इसका लाभ दिलाकर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हमारा साथ देने का काम करेगी। के अंदर 1,600 अलग अलग पैकेजेस हैं और वो तो केंद्र सरकार समय अनुसार उसको रिवाइज करती रहती है। मुख्य बीमारियां डायलिसिस, कैंसर का उपचार, हार्ट का उपचार, ये सब इसके अंदर कवर्ड है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू किया गया है दोबारा। जिन जिन परिवारों को इसका लाभ अब तक नहीं मिला और वो वेरीफाइड 1,80,000 से नीचे, वो कैंप्स में आ रहे हैं। अभी मैं खुद कैंप साइट देखी, 3 एक परिवार के सदस्य आए और 5 मिनट में तीनों की वेरिफिकेशन भी हुई और अगले 2 दिन के अंदर उनके कार्ड उन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। सर, जैसे प्लस जो जो साथी इसमें रह गए हैं उनके परिवारों के मुखिया के मोबाइल तक हम मैसेज पहुंचाकर उनको भी कहेंगे कि जल्द अपने बचे सदस्यों को भी आप वेरीफाई कराओ। सर, एक एग्जाम्पल आज मैंने देखा जहाँ एक परिवार के 6 सदस्य थे मगर एक गृहिणी का ही वेरिफिकेशन हो रखा था, 5 लोगों का वेरिफिकेशन नहीं था। आज वो अपने 2 बच्चों को लाकर वेरीफाई करवा कर गई है और मुझे पूरी उम्मीद है अगले 2 से 3 दिन में बचे 3 लोगों को भी वो वेरीफाई कराकर 6 के 6 सदस्यों के कार्ड बनाएगी और सदस्यों के कार्ड बनाकर उपचार में आयुष्मान योजना का लाभ दिलवाएगी। जितने PPP के अंदर वेरीफाइड लोग हैं
जिनकी आय 180 से नीचे है उन सबको हम BPL कैटेगरी में, जैसे मैंने विधानसभा में प्रॉमिस किया था, कवर करके। अब पीए राशन कार्ड की जरूरत ही नहीं, उसकी लिंकेज PPP कार्ड से कर देंगे कि आप अपना परिवार पहचान पत्र ID दिखाओ, अंगूठा लगाओ, अगर आपकी आय 180 से नीचे है तो BPL के सारे लाभ लो, ये मेरा वादा है।